एसएससी स्टेनो 2022 के स्पीड टेस्ट में ट्रायल जो आपकी डिक्टेशन होगी उसको जब लिखोगे फिर क्या कट करना है, क्या करना है, क्या चीज करें, नहीं समझ में आता है ना। अगर आप नए हो समझा देता हूँ मैं आपको कि जब आपकी ट्रायल डिक्टेशन 10 मिनट की बोली जाएगी, उसके बाद 5 मिनट का आपका टाइम होगा, पढ़ के देख लो। ट्रायल डिक्टेशन में एक चीज चेक करना कि आपका जो साउंड है वो क्लियर आ रहा है, कहीं धीमा साउंड तो नहीं, अगर धीमा है नहीं सुनाई दे रहा है पीछे बैठे हो तो उसको तेज करवा लो, पढ़ के देखो हाँ सही सही लिखा हुआ है। इसके बाद जैसे ही आपका जो मेन डिक्टेशन आपको बोली जाएगी तो आपको क्या करना है, जो ट्रायल डिक्टेशन उसमें एक क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करना है, मान लो ये पूरी मेरी बुक है, आपको क्या करना है इधर से करना है इधर कर दो, ठीक, क्रॉस कुछ कुछ में ये नहीं करना है, ऐसे कर दो, दूसरा पेज ऐसे कर दो, तीसरा ऐसे। अब ट्रायल डिक्टेशन में जब आप ऐसे ऐसे कर दोगे ना तो जब आपकी कॉपी अगर चेक भी होगी तो वो देख लेंगे कि ये ट्रायल डिक्टेशन और ये आपका पॉइंट में लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ कि जो आपका जो पॉइंट नंबर जो आपका दिया गया है, आई थिंक मेरे हिसाब से 17 नंबर आपको जो दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स सेल बी गिवन टू ट्रायल पैसेज ईच ऑफ 1 मिनट ड्यूरेशन विच नीड नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड, कैंडिडेट शुड राइट द ट्रायल पैसेज, ठीक है, इफ रिटन ऑन नोटबुक सो दैट ड्यूरिंग द एक्चुअल टाइपिंग कैंडिडेट इज कंफ्यूज्ड बिटवीन द ट्रायल पैसेज एंड एक्चुअल पैसेज, सो दे कैन क्रॉस द ट्रायल पैसेज, ठीक है, विच इज रिटन ऑन द नोटबुक। तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि भैया उसको काट देना, ऐसा ना हो कि पता चले ट्रायल भी लिखा है एक्चुअल भी लिखा है और टाइप करने बैठ रहे हो तो ट्रायल है टाइप कर दे रहे हो, ये होगा, बता दे रहा हूं मैं कि ऐसा ना हो तो पहले से ही काट दें। जैसे ही ट्रायल आपका पैसेज हो, साउंड वगैरह चेक कर लें, सब कुछ सही सुनाई दे रहा है, सब कुछ सही है, इसके बाद क्या करना, सीधा काट देना। ये मत सोचो कि टाइपिंग वो जब मेन डिक्टेशन आएगी उसके बाद हम करेंगे, कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है, स्पीड वगैरह कोई वेरिएशन में दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो चेक करने के लिए, तो उसको कट कर देना, ज्यादा चक्कर मत, तुरंत का तुरंत वही काम करना, फिर उसके बाद जो मेन मेन बोली है डिक्टेशन उसको सही से टाइप करना, ठीक है, आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके।